क्या आपको पता है कि इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल उनके असली बाल हैं? ऐसा कहा जाता है कि ये बाल कभी नहीं उलझते और हमेशा इतने ही मुलायम रहते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर खुद भगवान विराजते हैं। वेंकटेश्वर स्वामी यानी बालाजी की मूर्ति का पिछला हिस्सा हमेशा नम रहता है। यदि ध्यान से कान लगाकर सुने तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब आप कान लगाएंगे तब आपको समुद्र की आवाजें सुनाई देगी। इसी कारणवश हमेशा बालाजी की मूर्ति नम रहती है। पर ऐसा क्यों होता है ये आज तक ज्ञात नहीं हो पाया। भगवान तिरुपति बालाजी की ठोड़ी में चंदन लगाने की परंपरा है। इसका संबंध इस मंदिर के दाई ओर रखी एक छड़ी से है। कहते हैं बचपन में इस छड़ी का प्रयोग भगवान को मारने के लिए किया जाता था, लेकिन एक बार इस छड़ी से उनकी ठोड़ी में चोट लग गई। उनका यह चोट चंदन के आलेप से ही सही हुआ। यही कारण है कि उनकी ठोड़ी में चंदन का अभिषेक किया जाता है। अगर आप दर्शन के लिए बालाजी के मंदिर में जाएंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि जब आप बालाजी की मूर्ति को गर्भगृह से देखेंगे तो भगवान की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित पाएंगे, लेकिन जब आप इसे बाहर आकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति मंदिर के दाईं ओर स्थित है। मूर्ति पर चढ़ाए जाने वाले सभी फूल और तुलसी के पत्तों को भक्तों में न बांटकर बिना पीछे देखे परिसर के पीछे बने पुराने कुएं में फेंक दिया जाता है। दरअसल इन फूलों को देखना अच्छा नहीं माना जाता। गुरुवार के दिन स्वामी की मूर्ति को सफेद चंदन से रंग दिया जाता है। जब इस लेप को हटाया जाता है तो मूर्ति पर माता लक्ष्मी के चिन्ह बने रह जाते हैं। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर एक खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। अगर इसे किसी भी पत्थर पर चढ़ाया जाता है तो वो कुछ समय बाद ही चटक जाता है, किंतु भगवान की प्रतिमा पर इसका कोई भी असर नहीं होता। कहा जाता है 18वीं शताब्दी में इस मंदिर को कुल 12 वर्षों के लिए बंद कर दिया गया था। उस दौरान एक राजा ने 12 लोगों को मौत की सजा दी थी और मंदिर की दीवार पर लटका दिया था। कहा जाता है उसी समय वेंकटेश्वर स्वामी प्रकट हुए थे। इस मंदिर में एक दिया कई सालों से जल रहा है। किसी को नहीं ज्ञात है कि इसे कब जलाया गया था। दोस्तों, अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ आने का सही समय सितंबर से फरवरी के बीच का है। चलिए अब आपको बताते हैं तिरुपति बालाजी के आसपास के दार्शनिक स्थलों के बारे में जहाँ आप घूम सकते हैं। श्री पद्मावती समोवर मंदिर, श्री गोविंद राज स्वामी मंदिर, श्री कोदादरम स्वामी मंदिर, श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर, श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, श्री वेद नारायण स्वामी मंदिर, श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर, श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, श्री चिन्ना केशव स्वामी मंदिर, श्री अन्नपूर्णा समेत काशी विश्वेश्वर स्वामी मंदिर, आकाशगंगा वाटरफॉल, श्री वराह स्वामी मंदिर, श्री बेदी आंजनेय मंदिर,